हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? आवाज नहीं आई? बढ़िया चल रही है, गुड। काफी सारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। इन्फेक्शन वर्ड काफी पॉपुलर होगा। एक तरह कह सकते हैं इन्फेक्शन की हिंदी क्या कहना चाहिए, कोई चीज जो घाव टाइप का फैल रहा हो या कोई भी चीज जो इन्फेक्शियस हो, जो डिजीज कॉज करे, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन को रोकने वाले एजेंट जिनको हम एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कहते हैं, इसके अंदर कई तरीके के एजेंट आएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी फंगल एजेंट, फंगस, है ना, फंगस, फंगस को रोकने वाला, ठीक है ना, फंगस को रोकने वाले एजेंट। और वो फंगस, और हम देखेंगे कि फंगस किस तरीके से हमारे शरीर पर कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। आओ देखते हैं, करें स्टार्ट। ओके, तो एंटी इंफेक्टिव एजेंट, ठीक है ना, इंफेक्शन को रोकने वाले, इनके अंदर पहले हेडिंग हमारे पास क्या है, एंटी फंगल। क्या हमारे पास? एंटी फंगल, फंगल, ठीक है ना, फंगल, फंगल को रोकने वाले। तो क्या है एंटी फंगल मेडिकेशन, एंटी फंगल दवाएं, आल्सो नोन एज एंटी माइकोटिक। ये माइकोटिक, ये एक वर्ड आ गया, माइकोटिक, ठीक है ना, माइकोसिस वर्ड ही फंगस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है मेडिकेशन। इट इज अ फार्मास्यूटिकल फंगीसाइड। देखो फंगी, और पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं, साइड और फंगी स्टैटिक। साइड का मतलब जो दवाइयां किल कर दे, मार दे, और स्टैटिक मतलब जो ग्रोथ को रोक दे, ग्रोथ को क्या कर दे, रोक दे, स्टॉप कर दे, ठीक है। ओके, तो जो ग्रोथ को रोकेगी वो साइड, और जो स्टैटिक जो ग्रोथ को रोकेगी, सॉरी, जो किल कर देगी वो साइड, ग्रोथ को रोक दे वो स्टैटिक, ठीक है। फिर देखते हैं, इट इज अ फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल बहुत पहले पढ़ा था मैं, क्या होता है फार्मास्यूटिकल, है ना, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल्स हैं, दवाइयां हैं जो फंगस को या तो मार देंगी या किल कर देंगी। यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट, ट्रीट करने के लिए या रोकथाम करने के लिए। माइकोसिस, माइकोसिस मैंने बताया फंगल इन्फेक्शन, माइकस जो माइको वर्ड है, तो ये माइको वर्ड निकल के आता है। ये माइको वर्ड भी किसके लिए इस्तेमाल होता है? फंगस के लिए ही इस्तेमाल होता है, क्लियर है। सच एज एथलीट फूड। देखो बच्चे की बता दूं मैं, ये चार जो मैं बता रहा हूं, पूरे सात इसके अंदर ड्रग्स है। अगर यूज पूछेगा, वैसे तो यूज में, हर यूज में अलग अलग दवाई, अलग अलग बीमारियों के नाम का जिक्र करूंगा, इन केस अगर भूल जाते हो, ठीक है, लगभग मिलते जुलते होते हैं, तो ये चार पक्का याद कर लेना, और सब में ये यूज लिख सकते हो इन केस भूल जाओ। ये नहीं शुरुआत से ये चार कर लिए, बाकी पढ़े नहीं रहे हो, ठीक है ना, ये एक तरह का तोड़ हो गया। एथलीट फूड, जो लोग रनिंग वगैरह करते रहते हैं, एसिडिक होते हैं, उनके पैरों पसीना आता रहता है। जब पसीना आता रहता है तो पता ही है, जैसे थाइस में, बंगलों में पसीना आता है, थाइस में पसीना आता है, तो हमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, या दांत खाद खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह एथलीट जो होते हैं, उनको पैरों में दिक्कत रहती है, पैरों में पसीना मरता रहता है, पसीना आएगा, सूख जाएगा, वो बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि उस पसीने में बैक्टीरिया, वायरस की बात अलग करते हैं, इवन फंगस तक आकर के रुक जाती है और वो ग्रो करने लगती है। बात समझ में आ रही है? दैट इज योर एथलीट फूड। रिंग वॉर्म इज नथिंग, दांत खाज खुजली, गोल गोल, रिंग मतलब गोल, कभी भी देखना दांत होती है ऐसे गोल होती है, गोल क्यों होती है, इनका जो ग्रोथ करने का तरीका होता है, एक सेंटर पे होगा, फिर इस तरह फैलता है, डिवाइड होकर चारों तरफ इक्वली ग्रो करता है, तो इसलिए गोल होती है ये। कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस क्या है, कैंडिड से होने वाली, ठीक है ना, कोनिडिया, एक फंगस के अंदर एक स्पीशीज होती है जिनके अंदर कोनिडिया स्पोर्स पाए जाते हैं। अब ये बात बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आई, क्या बोल दिया सर कोनिडिया स्पोर्स, ऐसे समझो, जिस तरीके से रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पर्म और ओवम का होना जरूरी होता है, इन फंगस में स्पर्म और ओवम नहीं होते, इनके शरीर का एक टुकड़ा होता है जो कि इनकी बॉडी से अलग होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोनिडिया। बात समझ में आ रही है? तो इतना समझो कोनिडिया स्पोर्स, और ये स्पोर्स जब जर्म करेंगे कहीं पे, सॉरी ग्रो करेंगे कहीं पे, तो कहां कहां ग्रो कर सकते हैं, ये गले में कर सकते हैं, टन पे कर सकते हैं, पैरों पर कर सकते हैं, जांघों के बीच में पसीना, जहां तक पसीना या इनके ग्रो करने की गुंजाइश है बॉडी पे,
दो चार जगह होती हैं, टंग, गला, बगल हो सकती है, जांघों के बीच में हो सकता है या पैरों के बीच में हो सकता है। तो इसी को कहते हैं कैंडाइडियासिस, इनके द्वारा होने वाला प्रॉब्लम। देन सीरियस सिस्टमैटिक इंफेक्शन, सिस्टमैटिक का मतलब हो गया, जब भी सिस्टमैटिक वर्ड आएगा तो समझ लेना ब्लड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ब्लड में फंगस आपके ग्रो करने लगे, ठीक है ना, सच एज क्रिप्टोकोकल, कोकल, कोकल वर्ड का मतलब तो गोल और क्रिप्टो नाम है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस बता दूं मैं, मेनिंजियस हमारा खोपड़ी जो स्कल है और जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो है डायरेक्ट खोपड़ी पे टच नहीं करता है, उसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, बात समझ में आ रही ना, जैसे कि ये मान लो खोपड़ी है और ये ब्रेन है, तो यहां पर एक फ्लूइड रहेगा, क्या रहेगा, यहां पर एक फ्लूइड रहेगा। अगर ब्रेन डायरेक्ट खोपड़ी में हड्डी में टच करेगा तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, और यही पर यहां पर जो मेनिंजियस होती है जिनके लिए एक तरह का ये फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन को अगर झटका लगता है तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्रेन में डायरेक्ट डैमेज आने नहीं देगा। यहां पर जब कोई इंफेक्शन हो जाता है तो उसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस। इस फ्लूइड में अगर कोई इंफेक्शन होगा तो क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस। एंड अदर, और कुछ अदर बातें हैं। तो मेरे ख्याल से चार बातें तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो पूरे इस एंटी फंगल एजेंट के दौरान जब भी हम यूज की बात करेंगे, और अगर यूज भूल जाओ तो ये चार में से ये दो तो पक्का याद रहेंगे भैया, एथलेटिक फुट और रिंग वॉक, ये तो पक्का याद रहेगी, ये नहीं भूलोगे, है ना, क्लियर है। चलो आगे आते हैं। एंटी फंगल यूजली ऑब्टेन बाय डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, है ना, हम लोग जनरली इसे ऐसे नहीं बोल सकते भैया दे दो एंटी फंगल, जनरली इसको डॉक्टर ही लिखता है, लेकिन कुछ दवाइयां एंटी फंगल की ओटीसी ओवर द काउंटर अवेलेबल है बिना डॉक्टर के, जैसे कि इटगार्ड, है ना, सुना है नाम इटगार्ड, रिंगार्ड, ये सब क्या है, एंटी फंगल है, इनको बस बूर से बोल दो और मेडिकल स्टोर वाला तुमको क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है। कुछ दवाइयां हैं जो डॉक्टर्स के ही प्रिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलती है, बात क्लियर हो गई। जो दवाइयां हम लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स किसको कहते हैं पता है ना, जिनका हम लोग प्रचार कर रहे हैं, विक्स ओवर द काउंटर हो गया, मूव ओवर द काउंटर हो गया, मतलब इसको आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ले सकते हैं, बात समझ में आ गया, उनको हम कहते हैं ओवर द काउंटर, क्लियर है। टाइप्स ऑफ एंटी फंगल की अगर हम बात करें कि एंटी फंगल के टाइप्स, तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर, तो एंटी फंगल में क्या होगा, लोकल एंटी फंगल, ठीक है ना, और एक होता है सिस्टमैटिक। लोकल का क्या रहेगा, जैसे रिंगवॉर्म हुआ, वो एक जगह खास जगह पर रुका रहेगा, है ना, पूरी जगह पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा, जहां पर वहीं का वहीं रहेगा, दैट इज योर लोकल। सिस्टमैटिक क्या होता है, पूरी बॉडी में फैलता है, जनरली कहां पाए जाने सिस्टमैटिक वाले, ये ब्लड वगैरह में हो जाते हैं, पूरी बॉडी में धीरे-धीरे फैलना स्टार्ट करते हैं। तो लोकल के लिए क्या कह रहा है, दे आर यूजली एडमिनिस्टर्ड टॉपिकल, अच्छा सॉरी, टाइप्स ऑफ एंटी फंगल, मैंने यहां पर टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन की बात कर दी, मैंने क्या बोल दिया, टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन की बात करी। एक फंगल इन्फेक्शन वो होता है जो कि लोकल जगह पे ही रहता है, उतने ही हिस्से में टिका रहेगा, और एक फंगल इन्फेक्शन वो होता है जो पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है। जब लोकल एंटी फंगल को रोकने के लिए दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एंटी फंगल, जैसे कि क्या बोल रहा है, दे आर यूजली एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली, टॉपिकली का मतलब क्या है, ऊपर सुपरफिशियली, टॉपिकल मतलब ऊपरी, टॉपिकली मतलब ऊपरी, जो ऊपरी ऊपर लगाया जाएगा उसको, और एडमिनिस्टर्ड का मतलब मैंने बताया था, एडमिनिस्टर्ड वर्ड कब इस्तेमाल होता है जब कोई दवा डॉक्टर लिखता है और हम लोग यूज करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवा को हम लोग यूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, एडमिनिस्टर्ड, हम लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर रहे, ओके। टॉपिकली ऊपरी और वेजाइनली, फंगल इन्फेक्शन कई बार क्या रहता है, वेजाइना में इनके फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वेजाइनली बोला हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बीइंग ट्रीटेड, डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कौन सी कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से लोकल एंटी फंगल या तो टॉपिकली लगाया जाता है, ठीक है, ऊपर ऊपर, और या फिर वेजाइनली, मतलब एक तरह देखा जाए वेजाइना एक पोर है एक तरह से बॉडी का, ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इसका इस्तेमाल होता है और जनरली इंफेक्शन हो जाते हैं, ओके आगे आते हैं। सिस्टमैटिक एंटी फंगल, दे आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, सिस्टमैटिक में क्या होगा, मैंने क्या कहा, बॉडी के अंदर हम लोग खा लेंगे उसको, और इंट्रावीनसली इंजेक्शन के थ्रू नस में
ब्लड लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इस तरीके से पूरी बॉडी में हमारे क्या करेंगे, काम करते हैं। तो एंटी फंगल एजेंट दो तरीके का हो सकते हैं, या तो हम उसको पर्टिकुलर एक जगह पे लगाएंगे तो लोकल, और हम खा लें उसको और पूरी बॉडी पे हमारे असर करे, पूरी बॉडी पे, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक। क्लियर है? आओ आगे देखें। ओनली सम एजोल, एजोल मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, एंटी फंगल आर यूज सिस्टमेटिकली, एग्जाम्पल कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल सबको पता होगा है ना, कीटोकोनाजोल नाम जोकोन नाम से टैबलेट आते हैं, जोकोन 150 है ना, मेडिकल स्टोर वाले जिनको पता होगा या खाया होगा। तो ये दवाइयां ऐसी हैं, खा लेते हैं हम लोग तो पूरी बॉडी पे हमारे असर करती हैं। कौन कौन है, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ठीक है ना, फ्लॉस फ्लूकोनाजोल, वॉरिकोनाजोल, ठीक है, पोसाकोनाजोल एंड इसावुकोनाजोल। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, एजोल डेरिवेटिव है, जो हम लोग मतलब क्या लेते हैं, सिस्टमेटिकली लेते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में जाकर के असर करेगी। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एजोल सिस्टमेटिक एंटीफंगल इंक्लूड, मतलब ऐसे एंटीफंगल जो सिस्टमेटिक तो है बट एजोल नहीं है, उसमें आता है हमारा ग्रीसोफोल्विन एंड टर्बिनाफिन। ग्रीसोफोल्विन एंड टर्बिनाफिन ऐसे हैं जो एजोल नहीं है बट पूरी बॉडी में हम लोग जब खाते हैं तो पूरी बॉडी पे हमारे असर करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, तो क्लासिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखो कुछ एंटी फंगल क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। कुछ एंटी फंगल कैसे होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मोटा मेटाबोलाइट मतलब जो मेटाबोलाइट क्या होते हैं, हम लोग जो खाते पीते हैं उनमें से जो केमिकल स्टूट करके बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी में असर डालते हैं। अगर उन केमिकल को मान लो मैंने रोटी खाई, उसमें से कार्बोहाइड्रेट किसे बच जाएगा, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज अगर मैं कोई दवा खाऊं और उस ग्लूकोज को खत्म कर दे तो क्या हो गया, उस मेटाबोलाइट को क्या कर दिया उसने, खत्म कर दिया, तो एंटी मेटाबोलाइट। एजोल डेरिवेटिव, एलाइल अमीन, टॉपिकल एजेंट जो ऊपर ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में फर्दर तीन कैटेगरी आती है हमारे पास, पॉलीइन्स जिसके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, बेंजोफ्यूरान और इकिनोकैंडीन, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स इसके अंदर। देन एजोल की बात करें तो हमारे पास आता है इमिडाजोल और ट्राईएजोल, तीन आयन वाले और इमिडाजोल आ जाएगा। इमिडाजोल को फर्दर दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, टॉपिकल जो ऊपर ऊपर लगाए जाएंगे और सिस्टमैटिक, ठीक है ना। अगर एग्जांपल अगर तुम लोग ना याद हो, शुरुआत में कैसे याद करोगे, शुरुआत में पांच याद करोगे, एंटीबायोटिक, एंटी मेटाबोलाइट, एजोल, एलाइलामीन, टॉपिकल एजेंट, ठीक है ना। फिर एंटीबायोटिक में याद करोगे पॉलीइन्स, हेट्रोसाइक्लिक और इकिनोकैंडीन, एजोल में याद करोगे इमिडाजोल और ट्राईएजोल। जब इस तरीके से हेडिंग हेडिंग याद हो जाएगी, एग्जांपल लास्ट में याद किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना, एग्जांपल एकदम से याद नहीं होंगे, पहले हेडिंग हेडिंग याद करोगे फिर उनके अंदर सब हेडिंग्स याद करोगे, इस तरीके से क्लासिफिकेशन हमको क्या होगी, याद होगी। क्लियर है? ओके आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्शन। अपने कोर्स में देखो, फिर बच्चों बहुत बड़ा बच्चे अभी परेशान है, इवन मैंने वीडियो लेकर डाल दिया है कि मोड ऑफ एक्शन अपने कोर्स में नहीं है, बट हाँ मोड ऑफ एक्शन को समझेंगे नहीं तो जो हम पढ़ेंगे ना उसको पढ़ने में थोड़ा मजा कम हो जाएगा, कि समझ में नहीं आएगा अगर हो कैसे रहा। तो मोड ऑफ एक्शन आइए समझते हैं हम लोग फंगस का, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन को समझना नहीं है, जस्ट सबने पढ़ रखा है, कंपेयर करवाना है ना, सबने पढ़ रखा कि सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है ना, ये याद होगा, इस तरह से ये निकला रहता है, सबको याद आ गया होगा। उसके बीच में ये प्रोटीन कुछ पूरी आर पार होती है, कुछ ऊपर ऊपर लगी रहती है, उनके बीच में होते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो बच्चों तुम लोगों को पता होगा कोलेस्ट्रॉल अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं, कुछ बच्चे बोले सर कोलेस्ट्रॉल तो खराब होता है, नहीं, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ये कोलेस्ट्रॉल ही है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल जो इसके बीच में ये लगा हुआ है, देखो ये वाला नहीं, ये वाला है, ठीक है ना, ये यहाँ पे जगह जगह लगे हुए, ये देख रहे हो येलो येलो टाइप के, ये क्लियर है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखने में हेल्प करता है, अगर सेल मेम्ब्रेन टूट गई तो सेल फट जाएगा और काम करना बंद कर देगा। तो कोलेस्ट्रॉल मस्ट है, जरूरी है, किसके लिए, फॉर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स बने रहें, टिके रहें, टूटे नहीं, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी कुछ याद होगा, पूरे सेल के ऊपर होता है,
आई थिंक याद आ गया होगा, फिल्यूड मोजाइक मॉडल होता है ये। ये कौन सा मॉडल है? ये अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है ना? हाँ, हैप में अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो अलग बात है, फिल्यूड मोजाइक मॉडल। कुछ बच्चे काफी लोग पढ़ चुके होंगे तो समझ में आ गया होगा। ये अपने कोर्स में लिया, अब यहां से हम लोग ना कंपेयर कराएंगे फंगल के सेल मेम्ब्रेन को। देखो बात समझ में आ गया, जिस तरीके से यहाँ पे कैलेस्ट्रॉल है ऐसी फंगस में एक चीज होती है जिसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। बाकी सारी चीजें लगभग लगभग उसके सेल मेम्ब्रेन में भी सेम होती है। तो आओ देखते हैं फंगल का सेल मेम्ब्रेन। तो देखो सब कुछ सेम है, ये सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बायलेयर ये भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इनके बीच में हमारे यहाँ पर क्या था, कोलेस्ट्रॉल था बीच में क्या था, कोलेस्ट्रॉल था। इनके बीच में जो इनके सेल को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है वो ये है, इसको हम लोग कहते हैं एर्गोस्टिरॉल। अगर ये एर्गोस्टिरॉल नहीं होंगे तो फंगस का सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी और फंगस मर जाएगा। बात समझना ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जब फंगस थोड़ा सा, इसके ऊपर एक लेयर होती है हम काइटिन कहते हैं, उसके ऊपर एक लेयर होती है हम बीटा ग्लूकन कहते हैं, उसके ऊपर एक लेयर होती है हम मेनोप्रोटीन कहते हैं। बात समझ आ रही है। और ये अंदर इसके साइटोप्लाज्म है, तो इसके ऊपर दो तीन लेयर्स और होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। बात समझ में आ गई होगी ठीक है। क्यों मैंने ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन दिखाया, ताकि याद कर सको इतना पार्ट तो क्या है हमारे पास सेम होता है इसका और उसका, बट ये थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा होता है। अब ये सारे पार्ट क्या है, सपोर्टिव है सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो हम लोग देखेंगे बस यही, जैसे एर्गोस्टिरॉल है या ग्लूकंस है या काइटिन है, यही सब दवाइयां क्या करती है, इन्हीं सब चीजों को तोड़ फोड़ देगी और ये सेल मेम्ब्रेन टूट फूट जाएगा और फंगाई की डेथ हो जाएगी। क्लियर है? क्यों समझाया मैंने ये, ताकि दवाइयों को तुम समझ सको कहां पे एक्ट कर रहा है और क्या हो रहा है। आओ देखते हैं, अब तो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जो एलाइल अमीन है, ठीक है ना, एलाइल अमीन ठीक है, ये हमारे पास कहां थे, ये एलाइल अमीन, इसमें आता है टर्बिनाफीन ठीक है। एलाइल अमीन की बात करूं मैं अगर, तो इसमें टर्बिनाफीन आ रहा था हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं, इनहिबिट करते हैं एर्गोस्टिरॉल। इनहिबिट का मतलब रोक देना, इनहिबिट का मतलब रोक देना, किसको, एर्गोस्टिरॉल को, उसकी सिंथेसिस, इसको बनने ही नहीं दे रहे हैं ठीक है। बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम स्क्वेलिन इपॉक्साइड ठीक है, यानी ठीक है, एंजाइम को एक एंजाइम जो एर्गोस्टिरॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इस एंजाइम को रोक देता है तो एर्गोस्टिरॉल बनेगा नहीं, नए एर्गोस्टिरॉल बनेंगे नहीं तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। पहली चीज एंटी मेटाबोलाइट, इनहिबिट द मेटाबोलाइट मतलब जो उसके बीच की बात होती है, मैंने कहा जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया तो ग्लूकोज, प्रोटीन खाया तो अमीनो एसिड। इनहिबिट द फंगल प्रोटीन, ये फंगस की प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन बनने, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन बनना बंद हो जाए तो हम लोग भी मर जाएंगे, वैसे ये फंगस के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है बाय रिप्लेसिंग, ये मैकेनिज्म दे रहा है, यूरेसिल विद 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो पता है ना प्रोटीन के अंदर क्या होता है, एडेनिन गुआनिन यूरेसिल थायमिन। क्लियर है? ये तीन चीजें होती है, एडेनिन थायमिन यूरेसिल और साइटोसिन, एक और होता है हमारे पास साइटोसिन ठीक है। यूरेसिल क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है इसको, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल। याद आ रहा है डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, प्रोटीन सिंथेसिस वहां नहीं जाना है हमको, केवल इतना ध्यान रखो ये 5-4 चीजें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। इसमें क्या होता है, ये है मेरे पास यूरेसिल, अगर ये होगा तो ही प्रोटीन बनेगी, लेकिन जो एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स लेते हैं हम लोग, वो क्या करती है, फंगस के यूरेसिल को 5-फ्लोरो यूरेसिल से कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्ट करने से होता क्या, प्रॉपर प्रोटीन बनेगी नहीं और उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, ऑल्सो इनहिबिट थायमोडाइलेट सिंथेसिस बाय फाइव, ठीक है बात बाकी ठीक होगी, यहाँ पे ये चीजें होगी। तो यहाँ पे हमको क्या चीज ध्यान रखनी है कि ये प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं बाय रिप्लेसिंग यूरेसिल ठीक है। ये अपने कोर्स में नहीं है, जस्ट समझने के लिए। एजोस क्या करते हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम P450, ये एक एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम P450 ठीक है ना। जब ये रुक जाएगा, दिस एंजाइम इज इन द स्टिरॉल बायोसिंथेसिस पाथवे, जो ये जो एंजाइम होता है जब ये स्टिरॉल बन रहे होते हैं इनके रास्ते में हेल्प करते हैं इनके बनने में।
अगर वो एंजाइम नहीं होंगे या मर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे तो एल्बोस्टेरोल भी नहीं बनेगा। क्लियर है बातें? ठीक है ना? तो साथ में लिखा हुआ है दिस एंजाइम इज इन द स्टीरोल बायोसिंथेसिस। स्टीरोल से एल्बोस्टेरोल बनता है, ठीक है? तो पाथवे दैट लीड टू फॉर्म लैनोस्टेरोल टू एल्बोस्टेरोल, यानी कि फाइनली लैनोस्टेरोल से एल्बोस्टेरोल बनता है और बीच में ये एंजाइम काम करते हैं, ये एंजाइम को मार देगा, ये बनेगा ही एल्बोस्टेरोल। पॉली act by binding to ergosterol in the fungal cell membrane. This binding result in depolarization of the membrane. Membrane की depolarization हो जाता है। Depolarization से क्या मतलब है? जैसे ये depolarize हो जाएगा, इसमें pores छेद बनना start हो जाएगा। That increases the permeability to protein and monovalent and divalent cations. अब हो क्या रहा है? Polyens क्या करते हैं? ये जाकर के इनसे बंध जाएंगे। इससे बंध गए? और फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे और यहां पर एक पोर क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना? क्या क्रिएट हो गया? पोर। ये यहां पर अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से प्रोटीन जो मेन मेन चीजें वो निकल निकल के बाहर चली जाएंगी, सेल के अंदर खास चीजें बचेंगी नहीं और इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो तीन चीजें एल्गोस्टेरोल पे एक्ट कर रही है, एक एंटी मेटाबोलाइट उसके प्रोटीन के बनने को रोक रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, एल्गोस्टेरोल इसकी सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है और इस एल्गोस्टेरोल को ही एक्ट करते हैं ये, इसको तोड़ मोड़ देते हैं, खत्म करते हैं, कुछ भी करेंगे, एल्गोस्टेरोल को बनने से रोकते हैं। बात क्लियर होगी? तो मोड ऑफ एक्शन अपने कोर्स में नहीं है बट समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, आगे आते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर मैं कुछ तुम लोगों को डिजीज वगैरह भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा फंगस की डिजीज वगैरह थोड़ी सी गंदी सी होती है, ठीक है? लेकिन ठीक है, जिनको होती है प्रॉब्लम तो होती है। तो बात करते हैं पहला ड्रग एम्फोटेरिसिन बी। तो एम्फोटेरिसिन बी इज अ पॉलीइन एंटीफंगल। कैसा एंटीफंगल है? पॉलीइन एंटीफंगल है। एंटीफंगल एंटीबायोटिक। क्या है ये? एंटीबायोटिक है, प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडसस, ठीक है ना? किसके द्वारा बनाया जाता है ये, मतलब नेचुरली किसके, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडसस नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो इस उसके अंदर ये चीज नेचुरली बनती है। क्लियर है? इट इज बाइंड टू एल्गोस्टेरोल। अब ये बात समझ में आ रही होगी जब मैं बोल रहा हूं बाइंड, बंध जाता है किससे? एल्गोस्टेरोल। अब तुम लोग एल्गोस्टेरोल को समझ जाओ कि क्या है, ठीक है? एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल लिख के दे रहा है। एल्गोस्टेरोल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फंगल सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, देयर बाय जिसके द्वारा कॉजिंग डीपोलराइजेशन, लास्ट वाला स्टेप आ गया, of the membrane and altering the cell membrane permeability, उसे चिपककर उसे depolarize कर देगा, उसकी permeability कि किसको अंदर जाना किसको बाहर जाना उसको भुला देता है, अच्छी चीजें बाहर चली जाती है, बेकार चीजें अंदर आ जाती है, cell की death हो जाएगी। This leads to leakage, देखो क्या हो गया, leakage होना start हो गया of the important खास खास intracellular component, जो उसके अंदर component तो बाहर निकल आएगा, ultimately cell rupture हो जाएगा, cell टूट जाएगा, फट जाएगा, एंड इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाएगी। अंत था, इवेंचुअली मतलब अंत था, इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है? इट इज टिपिकली गिवन बाय इंजेक्शन इनटू वीन, ठीक है? नसों में दिया जाता है। द फंगल इंफेक्शन इट इज यूज्ड टू ट्रीट इट। अब कौन कौन से फंगल इंफेक्शन, देखो जो मैंने स्टार्टिंग में गिनाए थे, एथलीट फूट, रिंगवर्म, वो चारों तो लिख सकते हो, लेकिन कुछ और नाम है, म्यूकर माइकोसिस, एस्परजिलोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कैंडिडियासिस, कोकिडियोआइडोमाइकोसिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस, ठीक है? अब ये सिस 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 ये बहुत सारे नाम आ गए हैं, ठीक है? दो चार नाम अच्छे से पढ़ के याद कर लेना, कोई और तरीका नहीं है, इनके नाम ऐसे हैं। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सर ये है क्या, ये देखते हैं, ठीक है ना? कुछ मैं पिक्चर लेके आया हूँ यहाँ पर। तो देखो म्यूकर माइकोसिस, ओके, देखे कैसा होता है जब किसी को म्यूकर माइकोसिस हो जाता है, तो ये कुछ बंदे का ऐसा हो जाता है। क्लियर है? ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये चीज दिखाई दे रही है, ये इस तरह से इन्फेक्शन था, कई बार आप खुश होकर, अरे हाँ हमने देखा था ये, उसके था उसका था, याद आ रहा है, ये इस तरह का जो इन्फेक्शन है ये फंगस इन्फेक्शन है। क्लियर है? देन एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस क्या होता है? इसमें बुखार आएगा, ठंड लगेगी, कफ आएगा, ठीक है ना? और कफ में क्या आएगा? ब्लड आएगा, ओके। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट और जॉइंट में पेन होता है, सर में दर्द होता है, ठीक है? और आई सिम्टम्स, आंखों में थोड़े से आंसू वगैरह को छाने लगता है, स्किन लेजन्स, स्किन में छाले टाइप के पड़ने लगते हैं, ये एस्परजिलोसिस के सिम्टम्स हैं। ब्लास्टोमाइकोसिस, देखा कभी इस तरीके से? ये देखो, ठीक है ना? ये देख लो इस तरीके से,
ये ब्लास्टोमाइकोसिस है। तो स्किन की प्रॉब्लम से ज्यादातर ये कैंडिडियासिस जो बता था कहीं भी हो सकता है, वो जीभ किसी की ऐसी हो जाएगी बड़ी अजीब सी हो जाती है जीभ, ठीक है, कैंडिडियासिस जैसे जीभ में गले में मैंने बताया था कोरिडिया वाला कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ओके। तो ये कुछ दो चार छह में इसलिए लेके आया ताकि आप देख सको कि अगर फंगस जो होता है ठीक है किस टाइप का इंफेक्शन करता है। अब नाम तुम लोग को थोड़े से याद करने पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है। आगे आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, एम्फोटेरिसिन बी, उसके बारे में जनरल बातें और उसने क्या डिजीज पैदा कर दी। अब देखते हैं हम लोग उसका अच्छा कुछ और डिजीज भी है, कोकी डाइआइडो माइकोसिस, ये देख लो इस टाइप से पीठ इस टाइप से हो जाती है, देन क्रिप्टोकोकोसिस, ये हाथों में कुछ इस तरह का इंफेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? नाउ कम टू केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। तो जैसे कि इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसका जो केमिकल नेम और स्ट्रक्चर अपने कोर्स में नहीं है, बट मैं इसको लेके आ गया हूं, अगर कोई बच्चे इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी लंबा चौड़ा इसका नाम है, ठीक है, अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, तो समझने में दिक्कत आएगी, जब आयुर्वेदिक सिखाऊंगा मैं तो मैं सभी के नाम एक बार फिर लेके आऊंगा बारी बारी से, और तब हम इसको एक बार फिर से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इसको अभी हम इसको छोड़ देते हैं, बहुत लंबा है, ठीक है, समझने में और समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। आगे आते हैं, देन यूजेस, इट इज यूज्ड टू ट्रीट फंगल इंफेक्शन लाइक म्यूकोर माइकोसिस, ये सारे मैंने बाद में डिस्कस कर ली। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, सब में लगभग सेम है, सब में लगभग सेम है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ये रहता है कि इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री में स्टोर करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जब इसको हम लगाते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एकदम तेज धूप में या लाइट में ना लगाए इसको। क्लियर है? देन इसकी फॉर्मुलेशन की बात करें तो पाउडर फॉर इंजेक्शन, जैसे बताया इंजेक्शन के रूप में आ रहा है तो पाउडर आता है इसका। ब्रांड नेम की बात करें तो एम्बिलिप, एम्बिसम, एम्फिटास, एम्फोकैन और एम्फोकेयर नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट ग्रीसोफल्विन, ग्रीसोफल्विन की बात करें तो ये क्या है, फंगी स्टैटिक, फंगस की ग्रोथ को रोकने वाला एजेंट है। यूज टू ट्रीट सुपरफिशियल फंगल इंफेक्शन, सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर होते हैं बॉडी के, बॉडी के अंदर नहीं, लिख लो इसकी हिंदी, सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर होते हैं बॉडी के, ठीक है, स्किन इंफेक्शन। इट इज यूज्ड टू ट्रीट अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डर्मा, डर्मा मतलब स्किन, डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है, रिंगवॉर्म, डर्मेटोफाइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगवॉर्म बोलते हैं, कई तरह के रिंगवॉर्म, रिंग मतलब है ना जो खाज खुजली जो रहती है, सच एज फंगल इंफेक्शन ऑफ द नेल, कई लोगों के नाखून में फंगस लग जाता है, एंड स्कैल्प, कई लोगों के बालों में भी लग जाता है, as well as the skin, it is taken by mouth, ये mouth से ली जाती है। chemical name structure की बात करें तो इसकी naming देखिए जरा क्या रहेगी, एक तो हमारे पास ये रहेगी 1-2-3-4-5, ठीक है ना, दूसरा क्या रहेगा 1, ठीक है, 2-3-4-5-6-7, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो जरा, अब आते हैं 1-3, 1- और 3 पर क्या है, डाइमन लगा हुआ है, 2 कीटोनिक ग्रुप लगे हुए, ठीक है ना, और 7 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, अब इधर आ जाए, यहां से देखो ये जो ग्रुप है ये 2 एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज द स्पायरो, ये क्या बनता है यहाँ पर, स्पायरो बनता है जब एक ही कार्बन दोनों अटैच हो रखे हैं, 7 क्लोरो, ठीक है, 3-4-5-6, 3- ये क्या है यहाँ पर इसकी लगा हुआ है, तो ये मिथॉक्सी, एक मिथॉक्सी ये है और एक मिथॉक्सी ये है, तो 3-4-6 ट्राइमिथॉक्सी, देन 5- पे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक और सी लगा हुआ है 5-methyl और स्पायरो, ठीक है ना, यहाँ स्पायरो लग गया है, स्पायरो के बाद अंदर की बातें, स्पायरो जहां से लगा फिर अंदर की बात स्टार्ट होगी, 1 पे बेंजोफिरोन, जो क्या है बेंजोफिरोन है, और 1 पे O लगा हुआ है, एंड 2-4 साइक्लो, और ये 2 और 4, ठीक है ना, ये आ गया 2 और 4 जुड़ा हुआ है, तो 2-4 साइक्लोहेक्स, 1-2-3, 1-2-3-4-5-6, ठीक है, साइक्लोहेक्स 2-ईन,
ऊपर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, ठीक है, और 1 3 डाई 1, क्लियर है। तो इस तरीके से ये इसकी नेमिंग है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें पकड़ने में दिक्कत आएगी, बट मैंने जैसा कहा है कि जब मैं आईपीसी कराऊंगा तो इसको पूरा फुल डिटेल में कराऊंगा, ये सब नाम तुमको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। चले आगे, ओके। तो आगे देखते हैं इसको हम लोग, यूज की बात करें तो जॉक किच, जॉक मतलब एक तरह से जो जामों की बीच की प्रॉब्लम होती है उसके लिए, एथलीट फुट, रिंग वॉर्म, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, स्कैल्प मतलब सर का जो खोपड़ा होता है उसकी जो स्किन होती है उसको स्कैल्प कहा जाता है, फिंगर नेल, हाथों की उंगलियां या टोनेल या पैरों की उंगलियां, उन सब पे जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें काम आता है। स्टेबिलिटी, स्टोरेज, रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, ये आम बात हो गई। अब तो फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट और सस्पेंशन के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें तो ग्रीवेल, ग्रिसोविन और ईवा फॉलविन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड, मिकोनाजोल। मिकोनाजोल की बात करें अगर हम लोग, तो हमारे पास मिकोनाजोल में कौन कौन है, सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम मोनिस्टेट, ठीक है ना, मोनिस्टेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, अवेलेबल है। इट इज एन एंटी फंगल मेडिकेशन, ये भी क्या है, एंटी फंगल मेडिकेशन है, यूज टू ट्रीट रिंग वॉर्म, है ना, खास खुजली के लिए होता है, पिटायरियासिस, वर्सिकुलर एंड ईस्ट इन्फेक्शन ऑफ द स्किन और वेजाइना, ठीक है ना, स्किन और वेजाइना की ईस्ट इन्फेक्शन, इन सब टाइप के इन्फेक्शन को कवर करने के लिए यूज होता है। अब देखो बच्चे, ये सब वर्सिकुलर, ठीक है ना, टायरियासिस, ये सब जो तुम देखोगे ना, लगभग वैसी जो डिजीज मैंने पीछे दिखाई थी उसी से मिलती जुलती है। तो दो चार नाम याद रख लो, ठीक है, उन्हीं को थोड़ा सा मिक्सअप करके इधर उधर इनको उनको यूज करना रहेगा, क्योंकि सारे याद कर पाना एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। इट इज यूज फॉर रिंग वॉर्म, अब ये सबसे आसान है, रिंग वॉर्म ऑफ द बॉडी, ग्रोइन, जॉक इच यानी जाओं के बीच के, एंड फुट एसिड, ये याद ना हो छोड़ दो, ये याद हो जाएगा, इसको कर लो, जो आसान है उसको पकड़ लो, ठीक है, बड़े करवाओ, वो भी दिया है जिससे कि तुमको दिक्कत ना हो। इट इज अप्लाइड टू द स्किन और वजाइना एज ए क्रीम और ऑइंटमेंट, ठीक है ना, स्किन और वजाइना में ये क्रीम और ऑइंटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे पास आते हैं। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर स्टार नहीं है तो अपने कोर्स में नहीं है, नाम फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, इमिडाजोल, ये रहा हमारे पास इमिडाजोल, आ जाते हैं अब यहां पर, दिस 1 2, ओके, इमिडाजोल है और यहां पर क्या है, 2 4 डाइक्लोर। अब देखो यहां पर क्या रहेगा मेरे पास, एक सी ये है, एक सी ये है, ठीक है ना, और ये 1 2 2 के, ठीक है ना, अब जरा गौर से देखना, 2 के 1 2 3 और 4, 2 पर 2 और 4 पर क्या लगा हुआ है, डाइक्लोरोफिनाइल, ये आ गया डाइक्लोरोफिनाइल, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फिर 2 पर क्या है, फिर 2 का एक 2 तो ये कवर हो गया डाइक्लोरोफिनाइल, और फिर 2 पर क्या है, 2 4 डाइक्लोरोफिनाइल, फिर यहां पर आ जाए उल्टा, देखो यहां पर आ जाए, एक सी ये है ना, अब यहां पर बात को समझना, यहां से आए दिस इज मिथॉक्सी और इसके 1 2 3 एंड 4, 2 4 डाइक्लोरोमिथाइल मिथॉक्सी, इस 2 पर क्या लगा हुआ है, डाइक्लोरो 2 4 डाइक्लोरोफिनाइल और मिथॉक्सी लगा हुआ है, देन इथाइल 1 और 2, ये क्या हो जाएगा, इथाइल, और वो क्या हमारे पास, इमिडाजोल है। तो ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग है हमारे पास। यूज की बात करें, इट इज यूज टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शन सच एज जॉक इच, जरा बता दे, जॉक मतलब ध्यान रखना जांघों के बीच में रहता है, एथलीट फुट, रिंग वॉर्म, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प वगैरह, फंगल नेल, फिंगर नेल्स वगैरह है, ओके। स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की बात करें, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, कीप कंटेनर टाइटली क्लोज, ठीक है, जनरल बातें हैं इसमें, बहुत ज्यादा नहीं करना है। फॉर्मुलेशन की बात करें, ऑइंटमेंट, क्रीम, स्प्रे, पाउडर, जेल, टिंचर एंड टैबलेट, इन सब के रूप में मार्केट में ये अवेलेबल है, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें, माइकोरिड स्किन, कैंडिस्टेट, फंगीडर, माइकोजेल, माइकोप्टिक और मिकोजोल के नाम से मार्केट में क्या ये अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्थ, कीटोकोनाजोल, स्टार लगा हुआ है, इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। तो क्या है कीटोकोनाजोल, सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम निजोरल, ठीक है ना, सर फेमस ब्रांड है, वो कौन सा, निजोरल के नाम से है। कीटोकोनाजोल इज अ इमिडाजोल फंगीसाइड है, इसके अंदर भी इमिडाजोल पाया जाएगा विद अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम
ऑफ एक्टिविटी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कई सारे टाइप के फंगस को ये खत्म करेगा। लिख लो ब्रॉड में मतलब ब्रॉड मतलब चौड़ा स्पेक्ट्रम, कई सारे टाइप के फंगस को खत्म करेगा। ठीक है, अगेंस्ट मैनी फंगल स्पीसीज दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल या तो स्किन के ऊपर हो या सिस्टमैटिक फंगल इन्फेक्शन या हमारी बॉडी में कोई चीज है, ठीक है, पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो उसके लिए भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज एन एंटी एंड्रोजन एंड एंटी फंगल मेडिकेशन। ठीक है ना, ये एंड्रोजन को भी ब्लॉक करती है, तो हमारी बॉडी में एंड्रोजन निकलता है उसको भी रोकती है। वो यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम एंटी फंगल पढ़ रहे हैं, तो ये एंटी फंगल मेडिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट मैनी फंगल इन्फेक्शन सच एज टीनिया, क्यूटेनियस, कैंडिडियासिस, टायरियासिस, वर्सिकुलर, डैंड्रफ हो गया, सेवोरिक, अब डैंड्रफ तुम लोगों को याद रहेगा, सेवोरिक याद रहेगा, टीनिया अगेन स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, डर्माटाइटिस है ना, अगेन स्किन का इन्फेक्शन आ गया, स्किन का इन्फेक्शन आ गया। तो इस टाइप से ना सारी बीमारियां क्या लगभग मिलती जुलती है, नाम अलग अलग है, कई बार कौन सा फंगस कर रहा है उसके हिसाब से भी इसका नाम दे दिया जाता है। क्लियर है? ओके, टेकन बाय माउथ इट इज लेस प्रिफर्ड ऑप्शन एंड ओनली रिकमेंडेड फॉर सीवियर इन्फेक्शन व्हेन अदर एजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, ये लाइन लिख रहे लिख सकते हो, ठीक है, कि माउथ से ली जाती है और प्रिफर्ड की जाती है कब, जब दूसरे सॉरी जब इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है और दूसरे एजेंट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, अदर यूजेस इंक्लूड, इसके अलावा क्या और भी कोई यूज है? यस, हम लोग इसका एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही हो बॉडी में, एंड्रोजन को ब्लॉक करता है, तो जब एंड्रोजन ज्यादा होते हैं ना मेल के अंदर, एंड्रोजन ज्यादा होता है बॉडी में हेयर निकलते हैं, ऐसी कई बार फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो हेयर की ग्रोथ होने लगती है उसको रोकने के लिए। एंड कशिंग सिंड्रोम, ठीक है, एक तरह का सिंड्रोम में बीमारी है जिसको कि क्या करता है, रोकने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा, फंगस को लेकर के रहेगा, तो उसकी बातें जरूर लिखनी है, भले एक बार को ये सब बातें ना लिखो। ओके, आगे चलते हैं। केमिकल नेम है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बट ये क्या है, ये तो याद आ गया होगा, इमीडाजोल है ये, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, लास्ट का पकड़ो, इथीन वन, क्या है ये, इथीन वन, तो ये रहा सी और सी, क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है, इसको फैला दो थोड़ा सा मैं, चलो सी और सी, वन वन और टू, क्लियर है। अब देखो इस वन के, ये है वन टू थ्री और फोर, फिर इसका वन टू थ्री एंड फोर, बात समझ में आ रही है, फोर वन का फोर, फिर इसका फोर और फिर इसका टू, तो यहां पे आते हैं हम लोग, ये आ गया वन एंड टू, इस टू के टू फोर, ओके ये टू आ गया। अब आ गया थोड़ा सा यहां इसको और फिर इसको, इसको एक साथ लिखेंगे हम लोग, ये वाले ग्रुप को एक साथ लिखेंगे बाद में, ठीक है, इसके यहां पर आ जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, वन टू थ्री और फोर, तो टू फोर डाइक्लोरोफिनाइल, और टू पे क्या लगा हुआ है, सॉरी ये आ गया, ये अभी टू पे, ये एक मिनट, ठीक है, अब देखो जरा यहां पर ये क्या आ जाएगा, इमिडाजोल वन आई और इसको मैं रख कर दूं, क्लियर हो जाएगा। ओके, ये इमिडाजोल है, ये हमारे पास क्या है, इमिडाजोल है, ठीक है, तो टू पे क्या लगा हुआ है, ये आ गया टू, ठीक है, टू पे क्या लगा हुआ है, इमिडाजोल, और वन थ्री फोर, तो ये आ जाएगा वन टू थ्री एंड फोर, तो टू पे क्या लगा हुआ है, ये सी है यहां पर, एक टू पे लगा हुआ है इमिडाजोल, और ये आ गया वन, वन पोजिशन से लगा है, तो वन आई और एक सी, ये रहा मिथाइल, फिर से समझना, यहां तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, फिर से देखते हैं, इसके वन के, इस पे वन पे येलो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप के फोर पर येलो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप के फोर पर, फिर ये आई का पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब गौर से अगर हम देखें तो ये जो पूरा ग्रुप है हमारे पास, ठीक है ना, ये ऑक्सी वाला ग्रुप है, वो लगा हुआ है ना, तो यहां से हम चले यहां आए पहले, इसके टू पर, इसके टू पर टू फोर डाइक्लोर लगा हुआ है, इसी टू पर क्या लगा हुआ है, इमिडाजोल लगा हुआ है, और एक सी लगा हुआ है, तो मिथाइल लगा हुआ है, फिर वन और थ्री, वन थ्री डाई ऑक्सलन, ये लगा हुआ है, ऑक्सीजन वाला लगा हुआ है, तो ऑक्सलन हो गया, और ये फोर से जुड़ा हुआ था आइल हो गया, फिर यहां पर क्या है, ये सी आ गया, देन मिथॉक्सी हो गया, ठीक है ना, फिर ये क्या ग्रुप है, दिस इज फिनाइल, ये क्या ग्रुप है, फिनाइल,
फिर ये क्या है विप्राजिन और ये वन से जुड़ा हुआ है विप्राजिन वन आई और मिथनॉन, यानी कि हम लोग चलते चले आए इनकी पोजीशन देने के लिए पीछे और फिर नेमिंग करते हुए आई की तरफ बढ़ते चले आए। क्लियर है? उम्मीद करो ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? ओके आगे देखते हैं, आगे आते हैं। यूज की बात करें तो वही सारे यूजेस हैं इसके जो मैंने बताया था कि उनको याद कर लेना तुम लोगों को और सब में लिख सकते हो। स्टेबिलिटी स्टोरेज वही सारी बातें सेम है। और यहाँ पर फॉर्मुलेशन की बात करें तो जेल शैम्पू क्रीम और फॉर्म इन चारों ग्रुप में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें तो निजोरल, निजोरल शैम्पू, निजोरल टॉपिकल, एक्टिना, ठीक है, निजोरल एडी और फियोडोयो और जोलीजेल डियो के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है? तो सारे ना यहाँ पर दो ब्रांड नेम तो पक्के से याद रखने हैं। ओके देन इट्राकोनाजोल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं ITZ बोलते हैं, ठीक है। इट्राकोनाजोल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं ITZ बोलते हैं। ये यहाँ पर इसके वो डॉट लगाना भूल गया हूं मैं। ओके तो इट्राकोनाजोल समटाइम्स एब्रिविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ITZ। इट्राकोनाजोल इज अ ओरली मुंह से दिया जाता है एडमिनिस्टर्ड ट्राइएजोल है, ठीक है। ट्राइएजोल यानी तीन नाइट्रोजन वाला एंटीफंगल एजेंट है। इट इज एन एंटीफंगल मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट नंबर ऑफ फंगल इंफेक्शन, कौन कौन से? एस्पर्जिलोसिस वाला है पहले वाला, ब्लास्टोमाइकोसिस पहले देख लिया हमने, कोकिडियो आइडोमाइकोसिस पहले देख लिया है ना, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है ना, टिश्यू के ऊपर इंफेक्शन हो जाएगा इसका, पैरा कोकी आइडोमाइकोसिस, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कॉमन नाम देखो माइकोसिस 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 हर जगह है, उसमें आगे एस्पर जोड़ दो, ब्लास्टो जोड़ दो, कोकी जोड़ दो, हिस्टो जोड़ दो, नाम बन जाएंगे। क्लियर है? इट मे बी गिवन बाय माउथ और आईवी, मुंह से खा सकते हैं टैबलेट के तौर पे या इंजेक्शन मिलेगा हमको। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग तो अगेन ये अपने कोर्स में तो नहीं है ये वाला, बट देख लें इसको लगभग वैसा ही वैसा है जो हमने अभी पीछे किया है, थोड़ा सा अंतर है केवल यहाँ पर, ठीक है। अंतर क्या है यहाँ पर? ट्राइएजोल वन, ये देख रहे हो ये 1, 2, 4 और ट्राइएजोल वन, यहाँ का वन, अरे देख लो थोड़ा सा 1, 2, 3, 4 ठीक है, 1, 2 और 4 पे लगा हुआ है और उल्टा कर दिया और 3 पे 1, एक मिनट, ओके नंबरिंग उल्टी कर दी मैंने, नंबरिंग यहां से होगी 1, 2, 3 और 4 ठीक है ना, क्योंकि 11 ग्रुप भी शॉर्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और 3 पे क्या लगा हुआ? 1 लगा हुआ है। क्लियर है? अब देख लेते हैं यहां पर 4 पर याला ग्रुप, फिर इसके 1, 2, 3, 4 पर याला ग्रुप प्रजीन, और फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4 इसमें ये फिनाइल, 1, 2, 3, 4 इसके 4 पे ये, तो देख लो कितने 4 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इससे तुम्हें चीज समझ में आ जाएगी। अब क्या लगा हुआ है 2 पर, देख लो क्या लगा हुआ है, इसे ऊपर कर दूं थोड़ा सा मैं, देखो 2 पे क्या लगा हुआ है 1, 2, 3 और 4 ठीक है ना। 2 पे क्या लगा हुआ? ब्यूटेन, और ये ब्यूटेन, अच्छा नंबरिंग मैंने गलत कर दी है, छोटे वाले चेन लेते, पोजीशन कम से कम देते हैं, सब सिखा दूंगा इसमें क्यों ऐसा होता है, 1, 2, 2 है ना, लोएस्ट पोजीशन देते हैं इसको। तो 2 पे क्या लगा हुआ? ब्यूटेन लगा हुआ, जब 2 से जुड़ा हुआ तो ब्यूटेन 2I, फिर इसके 4 पर, ठीक है, फिर इसके 4 पर, फिर इसके 4 पर और फिर इसके 4 पर, ये आ गया। हां तक कहानी आ गई, पहला 4, दूसरा 4, तीसरा 4, चौथा 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार चार आ गई है, ब्रैकेट लगाते जाएंगे एक के अंदर एक बढ़ते ले जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाए हम लोग, यहाँ पर क्या रहेगा 2,4-dichlorophenyl, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4 ठीक है ना, ये ऑक्सीजन वाला कहानी आ गई मेरे पास है ना, 1, 2, 3 और 4 वाली कहानी आ गई, और ये मिथाइल वाली होगी ट्राइएजोल, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 तो ये आ जाएगी, और 1, 2, 3 और 4 तो 1, 2 इसके 2, ये इस 2 पे लगा हुआ है ये 1, 2, 4 ट्राइएजोल, इसके 2 पर देखो इसकी नंबरिंग करेंगे, ये ना O वाला जो कंपाउंड है 1, 2, 3 और 4 इसके 2 पर क्या लगा हुआ है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ट्राइएजोल, और 1 से जुड़ा हुआ है तो 1I, और ये वाला C क्या हुआ? मिथाइल, ये मिथाइल हुआ। देन 1, 3-dioxazolan, 1 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है? 2 O लगे हुए तो डाइऑक्सोलेन, और ये 4 से जुड़ा हुआ है
तो 4I और ये आ गया मिथॉक्सी, ये C है यहाँ पर और ये O है। तो ये कुछ नहीं है बच्चों, ये नेमिंग में इसलिए करा देता हूँ ताकि जब आयुर्वेदिक तुम लोग सीखोगे तो वहां पे तुम्हें बहुत सारी हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है ना। बेशक अपने कोर्स में नहीं है कोई बात नहीं, क्लियर होने की बात नहीं है, ठीक है। मिथॉक्सी हो गया, फिर फिनाइल आया, ये रहा फिनाइल, फिर पिप्राजिन आया, ये रहा पिप्राजिन, ठीक है। जुड़ा किससे, वन से जुड़ा हुआ है ये, फिर आया वापस से फिनाइल, फिर आ गया फिनाइल, और फिर ये कहानी तो हमने यहाँ देखी थी यहाँ पर, क्लियर है। ओके, देख लेते हैं इसका यूज, यूज क्या है। इट्राकोनाजोल कैप्सूल इज यूज्ड टू ट्रीट, इसे कैप्सूल आते हैं, यहाँ पे एक और मेंशन कर दी, इसका कैप्सूल है। क्या ट्रीट कर रहा है, फंगल इन्फेक्शन, क्या ट्रीट कर रहा है, फंगल इन्फेक्शन को, ठीक है, फंगल प्रोटोज, फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर रहा है, सच एज एस्परजिलोसिस, ठीक है ना, ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। उसके बाद वो ना याद रहे, तो ये तो लिखी दो कम से कम, जॉक एज, एथलीट फुट, रिंगवॉर्म और फंगल इन्फेक्शन, क्लियर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, कुछ कॉमन शब्द तीन चार सीख लो, वो सब में लिख देने एग्जाम में, ठीक है। कोशिश ये करना प्रॉपर सारे याद हो, कुछ तो सब में कॉमन ही है, ना याद रहे तो ये चार तो पक्के से याद रहने की बात समझ में आ गई, आसान हो जाएगा। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, कुछ करना नहीं है। फॉर्मुलेशन कैप्सूल ओरल सोल्यूशन है, ठीक है, कैप्सूल और ओरल सोल्यूशन के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें, ओयाजोल, बायोस्पोर, कैंडिस्टेट कैप्सूल, कैंडिट्रल और फलकवर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट है सिक्स, फ्लुकोनाजोल, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका भी अपने कोर्स में है, क्या आईपीसी नेम और स्ट्रक्चर। तो कह रहा है फ्लुकोनाजोल इज ट्राइएजोल, अब ट्राइएजोल समझ में आता है ना, तीन एन लगे होते हैं, फंगीस्टैटिक है, रोकने वाला ग्रोथ को, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमैटिक एंड सुपरफिशियल, जो सिस्टमैटिक और सुपरफिशियल दोनों टाइप के इंफेक्शन को रोकने में ये काम आता है। इट इज यूज फॉर कैंडिडियासिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोकिडियोडोमाइकोसिस, ठीक है, क्रिप्टोकोकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस एंड वही सारे नाम आ गए यहाँ पर अगेन, ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है, अपना ऊपर तुमने लिख ही दिया इसको। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट कैंडिडियासिस दोज हु आर एट द हाई रिस्क सच एज फॉलोइंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर किसी का ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट हुई है और उसके अंदर कैंडिडियासिस हो गई है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। लो बर्थ वेट बेबीज, जिन बेबीज का वजन कम होता है उसमें भी दिया जाता है। दोज विद, अच्छा यहाँ पे क्या मतलब है, जिन बच्चों का वजन कम होता है दवाइयां अक्सर उनको झेलती नहीं है, दवाइयां नुकसान पहुंचा देती है, उस केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विद लो ब्लड न्यूट्रोफिल काउंट, अब ये क्या चीज है, न्यूट्रोफिल वगैरह कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, एक तरह से समझ लो कि एंटीबॉडीज जो हमारी हेल्प करती है, ठीक है, नहीं पता तो इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर, जिन लोगों को पता है वो उसको करते चले, जिनको नहीं पता वो इस वर्ड को यहाँ से हटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो तीन चार पॉइंट है, दो पॉइंट भी लिखोगे तब भी चलेगा, बात समझ में आ रही है ना। ओके, बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल एकदम जो है कि वही तो वही लिख देना है। ओके, केमिकल नेम स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्या था, स्टार था, तो आपको पढ़ना है, यहाँ पर देखते हैं केमिकल नेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो, ये हमको साफ साफ दिख रहा है, ट्राइएजोल ये रहा, ट्राइएजोल ये रहा, ठीक है ना, और नाम देखते हैं प्रोपेन टू ऑल, यानी अल्कोहल, अल्कोहल को प्रायोरिटी दे रखी है, प्रोपेन टू ऑल, कहीं से भी काउंटिंग कर ले, वन टू और थ्री है ना, यहाँ पे सी लगे हुए, यहाँ पे सी लगा हुआ है, यहाँ सी लगा हुआ है, यहाँ सी लगा हुआ है, तो वन टू और थ्री हो गए। तो देखो क्या है, टू पर क्या लगा हुआ है, वन टू थ्री और फोर, 2,4 डाइफ्लोरो इस पे लगा हुआ है, इस 2 पर लगा हुआ है, 2,4 डाइफ्लोरो और ये क्या पूरा फिनाइल हो गया। ओके, 1,3, 1 और 3 पे दो लगे हुए हैं, तो दो के लिए यहाँ पे डाई लगा क्योंकि ऑलरेडी बाद में डाई ट्राई वाला ट्राई लग रहा है, तो जब ट्राई 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 और अंदर भी ट्राई 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 दो बार नहीं लिखा जाता है, सिखाऊंगा रूल में, तो उसके लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्रा के शब्द का इस्तेमाल होता है, ये भी एक तरह की लैंग्वेज है। तो 1 और 3, 1 पे और 3 पे 20, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 1, 2 है ना, 3 तो हटा दो, 1, 2, 4, 1, 2, 4 इन पे लगे हुए ट्राइएजोल, ठीक है, और दोनों के दोनों 1 से जुड़े हुए, 1I और प्रोपेन 2, और इसका नाम हो गया, क्लियर है। यूज की बात करें, क्लियर, यूज की बात करें तो यूज अगेन इसके वही है सारे, लगभग लगभग सेम जैसे ही है। यू शुड ट्रीट सीरियस फंगल और ईस्ट इन्फेक्शन सच एज वेजाइनल कैंडिडियासिस, ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, थ्रस या ओरल थ्रस कहा जाता है,
यूसोफेजियल देखो कैनेडियासिस जो हमारा, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखो ईस्ट का जो इन्फेक्शन था कोनिडिया जो स्पोर थे ज्यादातर उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। वजाइनल उसका अगर एक वर्ड याद रखो कैंडिडियासिस, वजाइनल का, ओरोफेरिंजियल मुंह का, यूसोफेजियल ठीक है ना विंडपाइप का, ठीक है अदर कैंडिडा इन्फेक्शन इंक्लूडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में भी ये हो सकता है। क्लियर है? ओके, देन पेरिटोनियम, पेरिटोनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक जो होता है हमारा उसकी जो परत होती है यहाँ पे सबसे ऊपर की, उस परत के ऊपर भी इन्फेक्शन कई बार हो जाता है, ठीक है तो उसको भी ठीक करने में काम में आता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन कैप्सूल और सस्पेंशन के रूप में अवेलेबल है, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें तो फ्लूकोनियो, डाइफल्केन, जोकोन, फोरकेन और फ्लूकोनाजोल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है? ओके, देखते हैं सेवन वाला क्योंकि लास्ट हमारे पास ये नेफ्टिफीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, इट इज एन एलाइल अमीन एंटीफंगल ड्रग। अगर तुमको क्लासिफिकेशन याद हो गए या थोड़ा सा याद है तो एलाइल अमीन कैसे काम करता है तुमको उसका अंदाजा पड़ गया होगा कि ये फंगस को किस तरीके से रोकता है। ड्रग फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट, टॉपिकल मतलब अगेन ऊपर सरफेस पे लगाते हैं, लाइक स्टीनिया पेडिस, स्टीनिया क्रूरिस, स्टीनिया कॉर्पोरोसिस है ना, ये सब के सब क्या है फंगल इंफेक्शन है एक तरह की। ओके, नेफ्टिफीन हैज ट्रिपल एक्शन, इसके तीन एक्शन होते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, ये तीनों काम करता है, एंटी फंगल भी है, बैक्टीरिया को भी किल करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात कर लें तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर है ना, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग क्या है मेरे पास, ये N लगा हुआ है और इस N पर क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है N पे मिथाइल लगा हुआ, तो N मिथाइल और इसी N पे क्या लगा हुआ है, ये नेप्थलीन लगा हुआ है, नेप्थलीन और ये वन से जुड़ा हुआ है नेप्थलीन वन आई और याले सी के क्या लगा मिथाइल, फिर क्या लगा है थ्री फिनाइल वन टू और थ्री, ये क्या लगा हुआ है फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है एक दो और तीन तो प्रॉप, वन टू थ्री के लिए प्रॉप और टू पे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड है तो इन, और वन पे क्या लगा हुआ है अमीन ग्रुप लगा हुआ है तो वन पे क्या आ गया ये अमीन, ठीक है अमीन ये है, बाकी सारे ग्रुप डिस्कस कर चुके हैं और हाइड्रोक्लोराइड साथ में HCl भी है। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं यूज की बात करें तो अगेन एथलीट फूड जॉक की रिंगवॉर्म सेम है, स्टोरेज सब कुछ सेम है, फॉर्मुलेशन की बात करें तो क्रीम सॉल्यूशन के नाम क्रीम और सॉल्यूशन के रूप में मार्केट में आते हैं ये, और ब्रांड नेम की बात करें तो एक्सोडरिल और नेफ्टिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंटी फंगल एजेंट, उनके बारे में हमने सीखा। यहाँ तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी उनके जो द्वारा डिजीज किए जाते हैं उनके नाम को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आएगी, लर्न करने में दिक्कत आ सकती है, बात बाकी लगभग सेम है, मोड ऑफ एक्शन ने बता दिया है, जरूरत तो नहीं है उसकी, वैसे चाहो तो इसको लर्न के बारे में ले सकते हो, ठीक है ना। बच्चे अभी कंफ्यूज है, फिर बच्चे मोड ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन अपने कोर्स में नहीं है, नहीं है, नहीं, क्लियर होगी बात, तो कुछ नहीं करना है, एक बार पेन चला करके लिख के जरूर देख लेना कि इसकी स्पेलिंग क्या है, बात बाकी सब कुछ ओके है, आप लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन करते रहें और पढ़ाई अपने आप क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। क्लियर? ऑल द बेस्ट।